सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो, तो आज हम लोग का डे वन फर्स्ट क्लास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वीडियो सारे क्लासेस के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है क्योंकि ये कॉमन टू एवरीवन है। अगर आप क्लास 12 में हो तो भी आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। द टॉपिक इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रावधान क्या है, प्रोविज़न क्या है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम माना गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 में, मतलब इनकम टैक्स की किताब में सेक्शन 22 से 27 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया है। अब सवाल ये है कि यहां पर टैक्स कब लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए कुछ बात आपको जानना जरूरी है, जो मैं आपको देखो, चूंकि एक तरह का लॉ है, टैक्स लॉ, तो इसको आपको किताब के वर्ड्स में ही भी पढ़ना पड़ेगा। द टर्म, देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल जब जिस आदमी का आप बात कर रहे हो, मतलब जो एसएससी है जिसका बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी उसका अपना होना चाहिए एंड लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयर टू होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन याद रखिएगा, पहला, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, तभी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स निकालने के लिए कंडीशन क्या है, एक तो वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा बात वो एसएससी उसका मालिक होना चाहिए, और तीसरा है कि वो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयर टू होना चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया अपर्टेनेंट देयर टू, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या लिखा हो, पहले पढ़ते हैं। द टर्म बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के किसी भी जगह पर डिफाइन नहीं किया। हाउएवर वेरियस केस लॉज हैव बीन कंस्ट्रूड द टर्म बिल्डिंग एज एनी लॉ एनी लैंड सराउंडेड बाय द वॉल। लेकिन बहुत सारा केस स्टडीज हुआ, बहुत सारा कोर्ट में केसेस हुए, जिसके बाद से ये समझ में आया कि लैंड एंड बिल्डिंग मतलब डिफाइन तो नहीं किया गया इनकम टैक्स में, बट लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब कोई भी ऐसा जगह, जमीन जो वॉल से सराउंडेड हो, उसी को हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में रखेंगे। हैविंग रूफ और नॉट, छत हो चाहे ना हो, लेकिन वॉल होना चाहिए चारों तरफ में। फर्दर, एनी लैंड अपर्टेनिंग टू हाउस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी चीज जो लैंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, एक ऐसा जमीन जिसके चारों तरफ वॉल हो, छत हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन वॉल होना जरूरी है। लैंड अपर्टेनेंट टू हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा। अब भाई, तो इनकम, आप समझ गए होंगे, इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन कि वो एसएससी जो है वो उसका मालिक होना चाहिए। कंडीशन नंबर टू, वो लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयर टू होना चाहिए। चलिए, अब अगला सवाल है कि मैंने कहा ओनर होना चाहिए, तो सवाल है कि ओनर किसको बोलते हैं। देखिए, इस हेड के अंदर में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, टैक्स दो ही आदमी को देना पड़ेगा, या तो वो ओनर होगा या तो वो डीम्ड ओनर होगा। तो ओनर कौन होता है, ओनर कौन होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, बिकॉज यू नो ओनर इज द पर्सन इन हुज नेम प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड और अ पर्सन हु कैन एंजॉय द राइट ऑफ द ओनर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर बट इन हिज ओन राइट। तो प्रॉपर्टी जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा वो ओनर हो गया, बस समझ रहे ना। तो देखिए, ओनर हो, बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप मालिक नहीं हो, फिर भी आपको बेनिफिट्स मिल रहा, आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको हम लोग डीम डोनर बोलेंगे। तो अब हम लोग डीम डोनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डीम डोनर मतलब आप बेनिफिशियल ओनर, या फिर आप कह सकते हो लीगल ओनर। तो दोस्तों, रियल ओनर तो आपने समझ गया, जिसका नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, एक तो वो मालिक हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग मालिक होते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है, उनको हम लोग डीम डोनर बोलते हैं। तो अभी डीम डोनर में कौन कौन को रखा गया, और पढ़ते हैं, नाम याद कर लेना, कंडीशंस पढ़ा रहा हूँ भाई। पहला, वेर इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस। अगर कोई इंडिविजुअल अपना स्पाउस को, स्पाउस समझते हैं ना, अगर आप लड़की हो तो आपके लिए पति, अगर आप लड़का हो तो आपके लिए पत्नी, अगर पति अपना पत्नी को या पत्नी अपना पति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन,
तो उस केस में जैसे मेरा प्रॉपर्टी है, मैं अपनी धर्म पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरी धर्म पत्नी को आप क्या बोलोगे? डीम डोनर। इसके लिए कुछ स्ट्रेस पॉइंट है जो मैंने किताब से कॉपी किया है, आप देख सकते हो। ट्रांसफरी मस्ट बी स्पाउस और माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर। बट इसका मतलब क्या हुआ? स्पाउस मतलब एक माइनर चाइल्ड हो सकता है, धर्म पत्नी हो सकती है, लेकिन कोई मैरिड डॉटर नहीं हो सकती। मतलब मेरी एक बेटी है जिसका मैंने शादी दे दिया है, अगर मेरी बेटी का शादी हो गया है तो शी कैन नॉट बी द डीम डोनर। दूसरा, ट्रांसफर मस्ट बी द विदाउट कंसिडरेशन। ये दो कंडीशन यहाँ पे डीम डोनर बोलने के लिए है। पहला, स्पाउस को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो। दूसरा, ट्रांसफरी जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो स्पाउस होना चाहिए, लेकिन माइनर चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन मैरिड डॉटर को छोड़ करके, क्योंकि इनकम टैक्स वाला लोग भी स्मार्ट है। अब बताओ, एक लड़की है वो आपके घर में भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रही है, बेटा जहाँ शादी कर रही है वहाँ भी स्पाउस बन जा रही है, डबल डबल मजा कैसी होगा? तो इनकम टैक्स वाला बोला नॉट बींग मैरिड डॉटर। दूसरा, ये द होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल स्टेट। भाइयों और बहनों, इम्पार्शियबल स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी। इम्पार्शियबल स्टेट मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी इसका लीगल डिवीजन नहीं हुआ है। जैसे मेरे पिताजी का एक जमीन था, इस पर मैं भी मालिक हूँ, मेरा भाई भी मालिक है। तो दोस्तों, उस केस में पिताजी का प्रॉपर्टी जो है, पिताजी इज द लीगल ओनर, पिता इज द एक्चुअल ओनर, बट मैं और मेरा भाई डीम्ड ओनर कहलाएंगे। ठीक है बाबू, दो कंडीशन। पहला, स्पाउस को ट्रांसफर किया गया प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड ओनर माना जाएगी, माना जाएगा उनको। दूसरा, इम्पार्शियबल स्टेट, ऐसा प्रॉपर्टीज का बंटवारा नहीं हुआ है। तीसरा, अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर एसोसिएशन पर्सन टू हूम अ बिल्डिंग अ पार्ट देयरऑफ इज अलॉटेड और लीज्ड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। अगर किसी कंपनी के मेंबर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, किसी क्लब के मेंबर हो, और आपको उसके तहत एक बिल्डिंग अलॉट किया गया, तो उस बिल्डिंग के रियल मालिक तो आप नहीं हुए, लेकिन आपको डीम डोनर माना जाएगा। चौथा, आइए, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग अ पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर किसी आदमी ने प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है, या पार्टली उसने पैसा दिया है, पार्टली उसका पैसा देना बाकी है, लेकिन कुछ लीगल रीजन से उसको प्रॉपर्टी मिल जा चुका है, दो ही इज नॉट द लीगल ओनर, ही विल बी लाइबल टू पे द टैक्सेस। वो लीगल ओनर तो नहीं है, बट उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओ भाई, अगला है फॉरेन प्रॉपर्टी क्या होता है। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड अब्रॉड, द इनकम फ्रॉम सच आउट प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज पर द फॉलोइंग टेबल। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी विदेश में है, सपोज अमेरिका में मैं एक जमीन खरीद कर रखा हूँ, तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो टैक्सेबल होगा, अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम इंडिया में अगर रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज एक लैंड एंड बिल्डिंग वहाँ पे है मेरा, तो टैक्सेबिलिटी क्या होगा? अगर मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो ऑलवेज टैक्सेबल, अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉन रेसिडेंट हूँ तो इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन इंडिया। भैया, डिस्प्यूटेड लैंड क्या है? डिस्प्यूटेड ओनरशिप क्या होता है? दोस्तों, डिस्प्यूटेड ओनरशिप वो होता है ना, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसको लेके क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो राम से बिलोंग करता है या सीता से बिलोंग करता है, गीता से बिलोंग करता है या पुष्पा से बिलोंग करता है, उसको हम लोग डिस्प्यूटेड ओनरशिप बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मान लीजिए, थोड़ा इसको साफ करते भाई, सपोज मान लीजिए ये बिल्डिंग है, चलिए सपोज ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मान लीजिए मैं आई से इट्स माइन, यू से इट्स योर्स, आई यू You are saying yours, I am saying mine. You are saying yours, I am saying mine. So when there is the dispute related to the ownership, that is called disputed ownership. That means the legal claim or the legal person, the person to whom this property belongs, is not clarified. In that case, the property will be said to as the disputed ownership. In case of disputed ownership, person who is in receipt of income or who enjoys the possession of property is accessible to tax. तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बोलिए, डिस्प्यूटेड ओनरशिप वो होता है जहाँ पे लीगल राइट अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ कि जमीन किससे बिलोंग कर रहा है। और भैया, अगला एक कॉम्पोजिट रेंट। दोस्तों, जनरली आप जानते होंगे कि हम लोग बिल्डिंग को भाड़ा लगाते हैं, घर को भाड़ा लगाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे फ्लैट ऐसे होते हैं जहाँ पे घर में फर्नीचर होता है उसको भी भाड़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों, जब आप खाली रूम का भाड़ा दोगे वो हो गया रेंट, बट जब रूम के भाड़ा देने के साथ साथ फर्नीचर का भी भाड़ा आप चार्ज कर रहे हो, और भी कोई सर्विस है उसका भी भाड़ा आप चार्ज कर रहे हो टेनेंट से, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट रेंट।
तो कंपोजिट रेंट रेफर्स टू द रेंट विच इंक्लूड्स द एक्चुअल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस रेंट फॉर द फर्नीचर और रेंट फॉर द अदर सर्विसेज, लाइक उसको लिफ्ट का सर्विस दे रहे हो, उसका पैसा चार्ज कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेंट। आई होप बहुत इजीली आप क्लियर पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। इट्स माई अटेम्प्ट माई डियर स्टूडेंट, तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो भाई शेयर कर देना। को ओनरशिप क्या है, देखो अगला है को ओनरशिप। दोस्तों को ओनरशिप क्या होता है? को ओनरशिप का मतलब होता है इफ टू और मोर पर्सन ओन अ हाउस प्रॉपर्टी देन दे आर द को ओनर्स। मतलब एक घर है उसमें आप भी मालिक हो, हम लोग दोनों मिलकर के खरीद लिए, तो आप और हम दोनों को को ओनर बोलेंगे। इफ इंडिविजुअल शेयर इच को ओनर इज डेफिनेट एन एसर्टेनेबल शेयर ऑफ इच शेयर शैल बी पर्सन टैक्सेबल एज इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज अगर बिल्डिंग का शेयर को हम लोग डिवाइड करने के लिए सक्षम है, डिवाइड कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं देन रिसिपिएंट विल बी एसेट, जिसको पैसा मिल रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब समझिए, सपोज मेरा भी बिल्डिंग है, आपका भी बिल्डिंग, हम दोनों मिलकर खरीद के मिलकर एक बिल्डिंग खरीदे थे, हम लोग को ओनर हो गए, इसमें 60% मेरा 40% आपका है, तो टैक्स भी 60% हम देंगे, 40% आप दीजिएगा, बात खत्म। बट अगर मान लीजिए समझ नहीं आ रहा कि किसका हिस्सा कितना है, हिसाब नहीं निकाल पा रहे हैं, उस केस में सपोज सारा पैसा मेरे पास आता है तो टैक्स भी हम ही देंगे, बात खत्म। अच्छा, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी। व्हेन एसएससी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई बंदा का काम है बिल्डिंग देने का, उस केस में अगर उसको कोई इनकम हो रहा है उस बिजनेस से, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। समझिए, मैं कंस्ट्रक्शन का ही काम करता हूँ, मेरा काम है बिल्डिंग खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो वो तो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बाबू। अच्छा, ये पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है, ये सम्स के साथ हम लोग इसको आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आइए लास्ट टॉपिक आज का, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी। भाई और बहनों, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी है, उससे अगर आप कुछ कमाते हो तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी भी है, आप मालिक भी हो, बट आप कुछ कमाते हो तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एनी वन प्लेस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइड द सेम इज नॉट लेट आउट। अगर कोई एक्स रूलर का प्रॉपर्टी है, पैलेस, प्लेस मैंने पढ़ गया, सॉरी माफ करिएगा भाइयों, पैलेस, अगर कोई पैलेस है एक्स रूलर का, पुराना राजा महाराजा का, उसको आपने भाड़ा पे नहीं लगाया है, बात समझ रहे, तो उस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगता। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी समझते हैं केएमसी का, पंचायत का कोई प्रॉपर्टी है, उससे अगर कुछ इनकम होता है उस पर भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, गेम एसोसिएशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल है, पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगता है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, मतलब मैं सपोज ऑर्फेनेज है मेरा, आना था आश्रम, उस पर भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी यूज़ फॉर ओन बिजनेस, ऊपर में ही तो पढ़ाया, हाउस प्रॉपर्टी अपना बिजनेस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जिसमें कमाई तो होता है बट टैक्स देना नहीं पड़ता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।